हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, जिसमें हम लोग वीमाएँ हमने पढ़ी थी, उसके अनुप्रयोग, जिसमें हम पहले एप्लीकेशन की बात कर रहे थे कि सूत्र की सत्यता की जांच करना। मैंने कुछ एग्जांपल करवाए थे। इसमें मैंने आपको बताया था खास करके क्या बात ध्यान रखनी है। विमीय समानता का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। उसके आधार पे दो राशियों को जोड़ा या कब घटाया जाता है जब उनकी विमाएं समान हो, इसी को ध्यान रख के हमें यह चीज को क्या करनी है, सॉल्व करनी है। बच्चों, अब हम एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल, सवाल क्या है, हमें एक सूत्र दिया गया है या एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण हमको गिवन है। बच्चों, हमें ये सिद्धांत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। समीकरण देखो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। यहाँ पे m, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है बच्चों, v वस्तु का वेग। g, g क्या है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। और h क्या है बच्चों, h है ऊंचाई। वैसे सूत्र गति ऊर्जा का और ये स्थिति ऊर्जा का है। हमें चेक करना है विमीय विधि से, विमीय विधि से समीकरण की सत्यता की जांच करो। विमीय विधि से समीकरण की सत्यता की जांच करो। विमीय विधि से समीकरण की सत्यता की जांच करो। बच्चों, ये सवाल है, इसको हमें क्या करना है बच्चों, करना है ध्यान रखना। सवाल क्या है, विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की बच्चों क्या करनी है, जांच करनी है। कौन सी विधि से बच्चों, विमीय विधि से हमें सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। बच्चों, हम कैसे करेंगे इसको देखो। बच्चों, बड़ा ही आसान है इसको करना। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ हमें ध्यान क्या रखना है, विमीय समानता का सिद्धांत। वैसे आप पॉज करके ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, एक बार पॉज करें फिर ट्राई करें। मैं इसको सॉल्व करूंगा किससे बच्चों, विमीय समानता का सिद्धांत। किससे सॉल्व करूंगा बच्चों, विमीय समानता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, सिद्धांत कहता है देखो, इधर इधर बराबर है, बराबर कब होंगे, जब विमाएं क्या होगी, बराबर होगी। कैसे करेंगे, एक बटा दो एम वी स्क्वेयर की विमा या विमीय सूत्र बराबर एम जी एच का विमीय सूत्र। तुलना करनी है बच्चों, अगर सूत्र बराबर आ गया मतलब तो सवाल सही है, नहीं तो गलत है। आपकी बुक का ही सवाल है बच्चों, ये आपकी बुक में एक उदाहरण दिया गया है बच्चों। अभी चेक करते हैं हम लोग, हम चेक कैसे करेंगे बच्चों। देखो, एक बटा दो तो छोड़ दो, एम एम के लिए क्या हो जाएगा, एम वन एल जीरो टी जीरो, किसके लिए हो गया, एम के लिए। वी वेग क्या हो जाएगा, एम जीरो एल वन टी माइनस वन का क्या हो गया, स्क्वायर। एम द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम वन एल जीरो टी जीरो। बच्चों, जी जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। चाहे गुरुत्वीय त्वरण बोलो चाहे त्वरण बोलो, बात एक ही है। सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और h ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है, एम जीरो एल वन टी जीरो। ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है बच्चों, दूरी है। तो ये बच्चों मैंने क्या कर दिया, विमीय सूत्र पुट कर दिए। क्या कर दिए, विमीय सूत्र पुट कर दिए। सॉल्व करते हैं बच्चों, बड़ा ही आसान है, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ये क्या हो गया, एम वन एल जीरो टी जीरो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, जीरो इंटू दो जीरो, वन इंटू टू टू, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, बराबर क्या हो गया, एम वन जीरो और जीरो क्या हो जाएगा, एम वन एल जीरो वन और वन कितना हो जाएगा, टू। समय जीरो माइनस दो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ ऐड कर दो क्या हो जाएगा, एम वन एल टू टी माइनस दो। वहाँ पे भी कितना है, एम वन एल टू टी माइनस दो। तो बच्चों दोनों क्या है, बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है, विमीय विधि से क्या है, सही है। क्या है बच्चों, सत्य। क्या है बच्चों, समीकरण विमीय विधि से क्या है बच्चों, सत्य है। ध्यान रखना। तो बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लो।
ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट कर लो, बात को समझते जाओ तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या तरीका यूज कर रहा हूँ, सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखो बच्चों। एक और सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है और काफी इंपॉर्टेंट है, उससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है बच्चों, बच्चों देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपकी बुक का है बच्चों 2.16 है। देखो बुक की प्रैक्टिस भी करेंगे, एक्स्ट्रा सवाल भी कल करवाए, तो सारी बातें करूंगा, ऐसा नहीं कि खाली मैं कुछ एक दो सवाल, मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको कर रहा हूँ। सवाल क्या है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक बच्चों क्या है, जूल है। क्या सवाल है बच्चों, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा एनर्जी क्या है बच्चों, जूल। क्या है बच्चों, जूल। और वो किसके बराबर है, हमको गिवन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 है, ये जूल है। यहां से बच्चों हमको क्या मिल जाएगी, इसकी वीमा मिल जाएगी, इन चीजों से हमको वीमा पता चलती है। मैंने आपको बताया किलोग्राम मीटर सेकंड, ठीक है, ये हमको दिया गया है। एक सवाल नहीं है, आगे हमको क्या गिवन है बच्चों, आगे गिवन है कि चाल का और त्वरण का जो सूत्र है, चाल का मात्रक क्या बच्चों, मीटर पर प्रति सेकंड या ms की घात -4 के ब्रैकेट में v, तथा त्वरण a का मात्रक, त्वरण a का मात्रक क्या है बच्चों, मीटर सेकंड की पावर -2। ये भी आपको सवाल में क्या है, गिवन है, ध्यान रखना। तो हमें बोला है गतिज ऊर्जा के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है बच्चों, ध्यान रखना। और एक और चीज, एम का मात्रक क्या है बच्चों, एक और गिवन है किलोग्राम। तो हमें गतिज ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी लो एक ही बात है, गतिज या स्थितिज कोई भी बात है, गतिज ऊर्जा के लिए निम्न में से कौन कौन से सूत्र सही है, निम्न में से कौन कौन से सूत्र, निम्न में से कौन कौन से सूत्र सही है गतिज ऊर्जा के लिए, निम्न में से कौन कौन से सूत्र सही है बच्चों। ऑप्शन दिए हुए, सबसे पहला दिया हुआ है k=m²v², पहला ऑप्शन k=m²v² बच्चों। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है k=1/2mv², k=1/2mv² बच्चों। तीसरा ऑप्शन हमको गिवन है k=m×a, क्या है, k=m×a। और चौथा k=3/16mv², और पांचवा ऑप्शन दिया हुआ बच्चों पांचवा ऑप्शन है बच्चों k=1/2mv² + ma। अब हमें चेक करना है पांच में से कौन सा करेक्ट है या कौन सा गलत है, हमें ये बच्चों क्या करना है, चेक करना है, समझना मेरी बात बच्चों, मैं सवाल क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। अब बच्चों देखो यहां बड़े इंटरेस्टिंग बातें आपको समझ में आएगी, ये सवाल जब पूरा करूंगा तो आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सवाल देखो बच्चों, पहला ऑप्शन लेते हैं, सबसे पहले हम वीमा ही निकालते हैं, के गतिज ऊर्जा किलोग्राम, देखो बच्चों मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 क्या हो जाएगा, किलोग्राम के लिए m1, दूरी के लिए l2, समय के लिए t-2, और बच्चों चाल v क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड -1 क्या हो जाएगा, m0 l1 t-1, और a क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा, m0 l1 t-2, और a के m द्रव्यमान किलोग्राम क्या हो जाएगा, m1 l0 t0, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले पहला ऑप्शन लेता हूँ, कौन सा ऑप्शन लेता हूँ, पहला ऑप्शन बच्चों, इन ऑप्शंस को नोट कर लो या यहीं से नोट कर लेता हूँ बच्चों, मैं यहाँ सॉल्व करूंगा इसको, a=2 क्या है, k=m²v², तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है, k का विमीय सूत्र बराबर m²v² का विमीय सूत्र। तो k
आपके सामने M1 L2 T माइनस टू बच्चों M तो M1 L0 T0 का स्क्वायर और V क्या हो जाएगा M0 L1 T माइनस वन का बच्चों क्या हो गया स्क्वायर। तो समझ में आया बच्चों मैंने अभी क्या किया है वी में सूत्र को क्या कर लिया बच्चों पुट कर लिया आपको दिख रहा है अच्छे से अच्छी बात है। चलो हमने वी में सूत्र को क्या कर लिया बच्चों पुट कर लिया बच्चों अब आगे देखो यहाँ सॉल्व करता हूँ जगह बच्चों नीचे देखिएगा नहीं एक लाइन लिख लेते हैं क्या हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू एम का स्क्वायर मतलब एम टू एल जीरो टी जीरो और इसका भी स्क्वायर एम जीरो एल टू और क्या हो जाएगा t माइनस। अब बच्चों आगे लेते हैं तो यहां पे तो क्या है m1 l2 t माइनस टू वहां क्या हो जाएगा बच्चों देखो m2 l2 t माइनस टू। अब आप मुझे बताओ बच्चों दोनों बराबर है कि बराबर नहीं है तो आप क्या देखते हो l2 और t माइनस टू तो बराबर है पर यहाँ m1 है m2 है इसका मतलब क्या है कि यह सूत्र सही नहीं है मतलब पहला ऑप्शन तो क्या हो गया बच्चों गलत क्या हो गया बच्चों पहला ऑप्शन तो हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं कट कर देते हैं क्या कर देते हैं कट कर देते हैं। तो आई बात समझ में बच्चों हमने क्या किया पहला ऑप्शन क्या कर दिया कैंसिल कर दिया क्या कर दिया बच्चों कैंसिल कर दिया। बच्चों अच्छे से पहले ऑप्शन को नोट कर लो फिर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ ऊपर वाली चीज को मिटा देता हूँ क्योंकि ये हम लिख चुके हैं इसको मिटो दो बी बी ऑप्शन की बात करें किसकी बात करें बी के इक्वल्स टू एक बटा दो एम वी स्क्वायर और बच्चों एक ऑप्शन लेता हूं डी के इक्वल्स टू यहां पे देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं तीन बटा सोलह एम वी स्क्वायर बच्चों इसकी बात करूंगा तो यहां पे क्या लेंगे के का विमीय सूत्र बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वायर का विमीय सूत्र और यहां इसको आगे थोड़ा आगे लिखता हूं डी के बराबर तीन बटा सोलह एम वी स्क्वायर यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों के का विमीय सूत्र बराबर तीन बटा सोलह एम वी स्क्वायर का विमीय सूत्र ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो के का विमीय सूत्र पुट करो क्या होगा एम वन एल टू टी माइनस टू हाफ तो कॉन्स्टेंट वी में सूत्र होगा नहीं एम एम वन एल जीरो टी जीरो और वी स्क्वायर एम जीरो एल वन टी माइनस वन का क्या हो गया स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे एम वन एल टू टी माइनस टू बच्चों स्क्वायर करोगे तो क्या होगा एल टू और टी माइनस टू यहां कितना है एम वन एल टू टी माइनस टू इसका मतलब यह सूत्र क्या है बच्चों यह सूत्र सही है क्या लिखेंगे बच्चों सूत्र क्या है सही है। अब समझो ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों इसको देखो क्या हो जाएगा बच्चों एम वन एल टू टी माइनस टू तीन बटा सोलह को लेंगे नहीं एम तो एम वन एल जीरो टी जीरो वी का क्या हो जाएगा बच्चों एम जीरो एल वन टी माइनस वन का स्क्वायर तो m1 l2 t माइनस टू बच्चो ये l स्क्वायर और t माइनस का दो तो m1 l स्क्वायर t माइनस टू बच्चो क्या लिखेंगे दोनों बराबर आ गए सूत्र क्या है सही है। तो बच्चो यहां पे एक चीज देखो ये भी सही है और ये भी सही है अब प्रॉब्लम कहां पर है प्रॉब्लम है आगे वाले पे एक बटा दो और तीन बटा सोलह हमें पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है एक बटा दो एम वी स्क्वायर तो विमीय सूत्र की यह सबसे बड़ी सीमा है कि उसमें आगे वाला जो आंकिक अंक होता है ना उसकी जानकारी नहीं मिलती। विमीय सूत्र में जब भी हम बात करेंगे तो आगे वाले अंक के सही
सही है नहीं है उसका पता नहीं चलता, क्योंकि हम केवल राशियों की बात करते हैं, 1/2 और 3/16 राशि नहीं है। अब विमीय विधि से दोनों सूत्र सही आ रहे हैं पर वास्तव में ये, पर एग्जाम में सवाल आए विमीय विधि से कौन सा सही है, तो बी को भी करना है और डी को भी करना है। सूत्र कौन सा सही है, सूत्र ये सही है। विमीय विधि से कौन सा सही है, विमीय विधि से बी और डी सही है। तो बच्चों ये तो आपने लिख चुका है ना, मैं नोट में एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसको आप लिख चुके हो, तो नोट में एक पॉइंट है बच्चों, क्या लिखेंगे कि विमीय विधि से किसी सूत्र के नियतांक या उसका जो आंकिक मान होता है ना, आंकिक भाग की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक चीज ध्यान रखनी बच्चों, नोट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कॉपी में ऊपर हाशिए में इसको बना के क्या करें, लिख लें अच्छे से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चों, एक बार इसको कर लें। बाकी वाले ऑप्शन बताता हूँ आपको, अभी हमने बाकी वाले किए नहीं है, तो एक बार इसको कर लें। अब बच्चों ये वाला ऑप्शन आप सी वाला अपने आप करें, इसको होमवर्क है, और ई वाला मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ई, इसको मैं इरेज कर देता हूं, सी वाला होमवर्क है, ऑप्शन नंबर ई मैं आपको बता देता हूं। ई क्या है, के इक्वल्स टू 1/2 mv² + ma, तो यहां क्या लिखेंगे, के का विमीय सूत्र, क्या लिखेंगे बच्चों, के का विमीय सूत्र बराबर 1/2 mv² का विमीय सूत्र बराबर ma का विमीय सूत्र, क्या लिखेंगे, ma का विमीय सूत्र। तो बच्चों ये तो बात समझ में आई, k का विमीय सूत्र 1/2 mv² का विमीय सूत्र बराबर ma का विमीय सूत्र, यहां तक समझ में आया। मैं आपको पहले भी कल इस तरह का सवाल आपको बता चुका हूं, हमेशा विमाओं को आपस में क्या करना है बच्चों, बराबर करना है। K की विमा क्या हो जाएगी बच्चों, m1 l2 t-2, 1/2 की होती नहीं है, तो m1 l0 m की क्या होगी, m1 l0 t0, v की क्या होगी, m0 l1 t-1 का स्क्वायर, m की क्या हो जाएगी, m1 l0 t0, त्वरण की क्या होगी, m0 l1 t-2, ठीक है बच्चों। तो करें इसको, तो क्या हो जाएगा, m1 l2 t-2, या अब बच्चों स्क्वायर करेंगे तो सेम m1, यहाँ क्या हो जाएगा l2 और t-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 l1 t-2। क्या बच्चों तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर नहीं आ रहे, अतः सूत्र सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अतः सूत्र सही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई भी क्या हो गया, कैंसिल। सी वाला आप बच्चों अपने आप करोगे, क्या करेंगे बच्चों, सी वाला आपको स्वयं से अपने आप से करना है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब मैं एक दो सवाल आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, इसको नोट कर लो, एक दो सवाल है आपको करने हैं। बच्चों सवाल है, सरल लोलक का आवर्त काल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है,
टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ एल क्या है, एल है लंबाई, जी है गुरुत्वीय त्वरण और टी है बच्चों आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समय, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आवर्तकाल की विमा क्या लोगे, मान लो ये बाकी तो निकाल दोगे, एम जीरो एल जीरो टी वन। लंबाई बता देता हूं आपको, एम जीरो एल वन टी जीरो। जी गुरुत्वीय त्वरण, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। और टू पाई तो क्या होता है, कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है। तो बच्चों ये एक सवाल है, एक हमने पहले वाला हवाला पार्ट, और एक ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों। अगले लेक्चर में आते ही मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, पहले अगले लेक्चर में आते ही मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा बच्चों, प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं मजा आएगी बच्चों, मेरी बात समझना बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक एक एप्लीकेशन पूरी, कल अगले लेक्चर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अब नेक्स्ट लेक्चर आपका गुरुवार को आएगा, क्योंकि कल शनिवार मतलब शनिवार को आने वाला ये लेक्चर, इसके बाद गुरुवार को नेक्स्ट लेक्चर आएगा। वीक में तीन दिन हम इन लेक्चर्स की बात करते हैं, तो हम इतना स्लोली चल रहे ताकि आपका सिलेबस भी होता रहे, रिविजन भी होता रहे, सारी बातें होती रहे बच्चों। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, बाकी हमारा बाकी काम हम पे छोड़ दें, अपने आप हम आपका सिलेबस वगैरह सब करवाएंगे, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दें बच्चों। वीडियो को हो सके उतना बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ग्रुप में जहाँ पे भी हो सके शेयर करें, ताकि हर एक बंदा इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच बच्चों।